गाइज, अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आप सबको एक नया क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं, जो कि हालांकि बहुत आसान तरीके से आप सबको मिल भी जाएगा। यानी ज़्यादा आपको झंझटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इजी प्रोसेस के थ्रू आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिस क्रेडिट कार्ड का नाम है कोटक 811 क्रेडिट कार्ड। कोटक 811 ये क्रेडिट कार्ड है ना, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड भी है, यानी ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसका जो आपको बेनिफिट बता दूँ, बेनिफिट ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड का नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं 100 रुपया भी, तो वहाँ पर आपको जो 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और इसका एक और बेनिफिट ये बताऊं, देखिए इसका जी ये क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फी कुछ रखा गया, जो कि रखा गया 500 रुपया, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 75,000 रुपया अगर स्पेंड कर लेते हैं, तो आप सबको मिलेगा टोटल आपको 750 रुपया कैशबैक मिलेगा। और आपको जो इस कार्ड का एनुअल फी है और ज्वाइनिंग फी है टोटल 500 रुपया है, यानी टोटल आपको 250 रुपया का बेनिफिट मिल जाता है सिर्फ 75,000 रुपया स्पेंड करने के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर। यानी ये कार्ड जो आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा, अगर आप हर एक साल 75,000 का अगर स्पेंड करते जाएंगे, तो आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा और आप सब कार्ड भी फ्री में आप यूज कर सकते हैं। यानी पर ईयर ना 250 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप 75,000 रुपये स्पेंड करते हैं। तो अप्लाई करने के कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं लिंक डाल दिया हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको प्रोसेस करना है, अप्लाई पर क्लिक करना पड़ता है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद सबसे पहले आपको कार्ड कुछ इस तरीके का लुक आपको सामने दिखाया जाता है कि भाई कार्ड जो है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। आपको प्रोसेस आपको पहले बता दिया हूँ, सबसे पहले एक्टिवेट जब कार्ड करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 500 जो है पॉइंट आपको बेनिफिट देखने को मिलता है एक्टिवेट करने के टाइम पे ही, ठीक है। तो आप जब भी कार्ड लेंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर ही एक्टिवेट कर लीजिएगा, नहीं तो कार्ड आपको जो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले 30 दिन का टाइम ही मिलता है, उसके बाद जो भी आप स्पेंड करते हैं ऑनलाइन वहाँ पर आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कार्ड अप्लाई करने के लिए अभी फिलहाल जो इस कार्ड पर किसी तरह का बेनिफिट जो है अभी फिलहाल इसमें आपको किसी तरह ज्वाइनिंग फी और साथ में एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है, जो कि बताया गया है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। यानी अभी जो ऑफर आया है, ऑफर के तहत आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्ड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं कोटक 811 एप्लीकेशन के थ्रू ही, चेक स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पे बिल्स कर सकते हैं, कन्वर्ट टू ईएमआई कर सकते हैं कोटक 811 एप्लीकेशन के थ्रू ही, तो ये भी आप सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इसमें क्रेडिट कार्ड में 5,000 तक बिना ओटीपी और बिना एमपिन का भी ट्रांजेक्शन आप सब कर सकते हैं, जो कि सेफ एंड सिक्योर रहेगा टैप एंड पे करके, ठीक है। तभी आपको कोई भी एमपोस मशीन जाना, आप इस कार्ड को जो इनेबल करना पड़ता है मोबाइल बैंकिंग में जाने के बाद, उसके बाद जैसे आप टच करेंगे तो आपको कार्ड जो है मिल जाता है। कार्ड लेने के लिए आपको गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ता है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते वो मोबाइल नंबर डालेगा, टर्म एंड कंडीशन आपको एग्री करना पड़ता है, उसके बाद फाइनली गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, उससे एक ओटीपी आता है, ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे तो ओटीपी एक हमको आ चुका है, तो जो भी ओटीपी आया है हम ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई किया जाएगा आपको मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर जैसे वेरीफाई होता है फिर आपको कुछ वेट करना है, वेट करने के बाद भी आपके सामने नेक्स्ट स्टेप लेकर आएगा, जिस स्टेप आपको बता दिया जाएगा कि आपका पास जो है आपके पास अगर देखिए कोटक बैंक अगर आप ओपन कर रखे हैं तो उसका जो है इंटरव्यू जो है CRN नंबर होता है, आपको CRN नंबर आपको डाल देना है 10 जीट का। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है, आपको फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो अपना जो है CRN नंबर आपको डालना पड़ता है, आपको पहले बता दें, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यानी दोनों स्टेप आपको मिल रहा है, तो दोनों में से जो भी आप करेगा वो आप यहाँ पर पूरा कर दीजिएगा। हालांकि मेरे पास दोनों अवेलेबल है, यानी हमारे पास बैंक अकाउंट भी अवेलेबल है और साथ साथ मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल नंबर सब, डेट ऑफ बर्थ सब, और फिर हम आएगा स्टेप पूरा कर लेते हैं। CRN नंबर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, फिर आपको एक OTP आएगा, OTP आपको सिर्फ डाल देना है। तो OTP ऑलरेडी तो हमको आ ही चुका है, चूँकि 7475, उसके आगे क्या था भाई साहब हम तो देखे ही नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार इस पर क्लिक करके। 42 है तो 42 आपको डाल देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद अभी आपके सामने पूरा डिटेल्स फिर से एक आपको फिलअप करना पड़ता है, जो कि आपको आ चुका है कार्ड, अभी देखेंगे तभी हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। रेगुलर कार्ड लेना चाहते हैं या FD जो है बेसिस के ऊपर कार्ड लेना चाहिए, 2 कार्ड आपको मिलता है, जो कि एक कार्ड का आपको मैं पहले बताया कोटक 811 जो कार्ड है आपको सबसे बेस्ट कार्ड में आने वाला है, जिसका तो किसी तरह की ज्वाइनिंग फी अभी फिलहाल नहीं लगता है। एनुअल फी रखा गया है सिर्फ 500 रुपया, जो कि अगर आप 1 साल के अंदर
अगर आप 75,000 पे स्पेंड करते हैं तो आपको 750 रुपये कैशबैक मिलेगा। मैं रजिस्टर कार्ड पे क्लिक करता हूँ जो कि रेगुलर कार्ड में लेता हूँ, तो रेगुलर कार्ड पे क्लिक कर दिया हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रोसेस पे क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो है प्लीज़ सिलेक्ट प्रोडक्ट हमको बताया जाएगा। आपको यहाँ पहले आपको बता दिया हूँ रेगुलर लेंगे या फ्री के बेसिस पे लेंगे, तो हमको रेगुलर और आप मैं कार्ड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में ले लिया हूँ। अभी आपको टिक लगाना पड़ता है, तो जो यहाँ पर देखेंगे एक टिक लग चुका है, यहाँ पर भी आप टिक लगाने लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पूरा डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दिखाया जाता है, जो आपको पहले बता ही दिया हूँ, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ये कार्ड कहाँ डिलीवर करवाना है वो सिर्फ डिटेल्स आपसे पूछा जाता है। जो भी आपको जहाँ पर भी इस कार्ड को डिलीवरी करवाना है वहाँ पर आपको डिटेल्स आप डाल दीजिएगा और प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे आपका जो है पूरा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर ले लिया गया है। कंपनी का नाम पूछा जाता है, तो आप कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे फिर से प्रोसेसिंग हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको वेरिफिकेशन जो हो चुका है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन पे आप जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा ना। ऑलरेडी मेरा सब कुछ डाला हुआ है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर भी आप जो कार्ड सब कुछ हो चुका है, अभी आप जो कार्ड चाहिए थे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, कुछ डेजिग्नेशन हमसे पूछा था, डेजिग्नेशन जो भी आप करेगा वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सो गाइज, मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स वीटेल्स सब कुछ डाल दिया हूँ, अभी सिर्फ हमको देखेंगे, तभी हमको कंफर्मेशन मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। अभी हम देख रेफरल कोड है बैंक का, तो आप डाली नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। किसी भी बैंक का आज क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो केवाईसी अनिवार्य है, आपको वीडियो केवाईसी करवाना पड़ेगा, फिर जाकर आप कार्ड जो मिलता है। ठीक है, तभी आपको जो यहाँ पर देखें सब कुछ मेरा जो है कम्प्लीट यहाँ पर हो चुका है। अभी आपको यह जो है नंबर भी आपको आ चुका है, सीआरए नंबर यानी फॉर्म नंबर जो होता है ना वो भी आपके सामने आ चुका है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको वीडियो को ऐसे करा लेना है। वीडियो को ऐसे करने के लिए या तो आपको जो है एक फिंगरप्रिंट भी होता है, फिंगरप्रिंट भी करने के लिए आएगा एक कर्मचारी, तो वहाँ से फिंगरप्रिंट करवा लीजिएगा और कार्ड आपको 7 दिन के अंदर आपको होम डिलीवर कर दिया जाता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई आप सब कर सकते हैं। आप लगातार आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो आता रहेगा चैनल पे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते फिर एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।